हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आइडिया 3 कैसे फिल करेंगे ये बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है, आपका सैलरी इनकम है एंड एफएनओ लॉस से है आपके आपके केस में, तो कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैलेंस शीट होगा आपके पास, फिर आपके ब्रोकर ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया होगा, कुछ बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ऐसा आप बना सकते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, उसमें आपको प्रॉफिट ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉस ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसको आप अलग रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम साइड आ जाएगा और लॉस एक्सपेंस साइड आ जाएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपका टर्नओवर आता है। एफएनओ के केस में जो टर्नओवर कैलकुलेशन होता है वो एब्सोल्यूट फिगर होता है। लॉस एंड प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे एब्सोल्यूट फिगर्स को, तो फिर आपका टर्नओवर कंप्यूट होता है। बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है उससे जो आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं मार्क टू मार्जिन वाले, जो डेली जब तक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता तब तक अकॉर्डिंग टू दी मार्केट प्राइस आपसे मार्जिन ले लिया जाता है या आपको दे दिया जाता है, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस जो है वो आप देखेंगे, तो उससे आपका मार्जिन अमाउंट आ जाएगा और जितना आपने एफएनओ में लगाया है पैसा वो आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। जो नेट लॉस है वो आपका आ जाएगा जब आप प्रॉफिट को इनकम साइड लेंगे, लॉस को एक्सपेंस साइड, तो नेट लॉस आ जाता है। नेट लॉस आपके कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाता है, तो जितना पैसा आपने एफएनओ ट्रेडिंग में लगाया है वो आपका कैपिटल है, उसमें से आप माइनस करेंगे, बाकी मार्जिन एंड डिपॉजिट अगर किया है तो डिपॉजिट आ जाएगा। तो ऐसे आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगी और टर्नओवर आ जाएगा। अब जैसे मेरे केस में टर्नओवर 21 लाख्स है, मतलब 2 करोड़ से कम है, और लॉस है तो और मैंने 44 AD का बेनिफिट भी नहीं लिया। एक और व्यूअर्स का आया था कि प्रिजम्प्टिव बिजनेस है ही नहीं एफएनओ, तो 44 AD की बात ही नहीं आती है। बट दिस इज डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग, कुछ जो कंसल्टेंट हैं वो ये मानते हैं कि हम एफएनओ के बिजनेस पे भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनकेस आपने लिया होगा 44 AD का प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि जब 44 AD प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है तो वो लगातार 5 सालों तक लिया जाता है। अगर आप 5 सालों तक नहीं लेते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना रहता है। बट उसकी भी कंडीशन है, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है जिस साल, पर 44 AD का फिर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक नहीं ले सकते। ये सब मैंने डिटेल अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब मैं आपको ITR पे ले चलती हूँ, ITR 3। तो अपना जो टर्नओवर है वो 20 लाख्स है, दैट मींस 10 लाख्स एंड अबव है, तो 44AA, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है। तो जो आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन है उसमें जो ऑडिट इंफॉर्मेशन है इसमें आपको 44AA को यस करना है, बाकी 44 AD ये प्रिजम्पटिव वाला जो सेकंड ऑप्शन है उसको नो करना है, टैक्स ऑडिट को नो करना है, 44 AB को नो करना है, एंड बाकी सारी चीजें नो रहेंगी एंड आप कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करने का होगा। तो एफएनओ बिजनेस के अलग से बिजनेस कोड नहीं है, तो आप अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस में आप सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जैसे मैंने अभी आपको कैपिटल अकाउंट बताया, तो कैपिटल अमाउंट की जो फिगर है वो आपके सोर्सेज ऑफ फंड में कैपिटल में आ जाएगी। यहाँ मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ कि कैसे आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है अमाउंट। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट है वो 11,15,000 है, तो मैंने वही अमाउंट यहाँ लिखा है कहाँ पर, अपने बैलेंस शीट वाले शेड्यूल में। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में बताऊंगी, देखते हैं कैसे हम मैंने दिखाया है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपको जो मार्जिन एंड डिपॉजिट है, डिपॉजिट अमाउंट ये आपके करेंट एसेट का अमाउंट है, तो आप करेंट एसेट में क्लिक करेंगे थर्ड नंबर पे, तो करेंट एसेट डिटेल में खुल जाएगा। इसमें आपको जो डिपॉजिट अमाउंट है
वो आप डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस, डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस टू कॉर्पोरेट एंड अदर में डालेंगे, मेरे केस में 68,000 है, और जो मार्जिन है मार्क टू मार्केट मार्जिन अमाउंट वो आप अदर करंट एसेट में बताएंगे 2,50,000। एंड इसके बाद जो मेरा लॉस आया है, नेट लॉस है फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, वो आप यहाँ बता देंगे यहाँ 4C वाले पॉइंट में 7,97,000। ऐसे आपके बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। नो अकाउंट केस का मतलब ये है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो नो अकाउंट केस में आएगी जाएगी इंफॉर्मेशन। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जीरो, ट्रेडिंग जीरो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडिट पे क्लिक करेंगे, देन आपको नंबर ऑफ इनकम ऑप्शंस आएंगे। आपको एनी अदर इनकम में नेचर ऑफ इनकम प्रॉफिट ऑन सेटल्ड ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डालना है, 6,78,000 जो कि मेरे केस में है। एंड देन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लॉस ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो आप कहाँ पर बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आपका फिगर आएगा अदर एक्सपेंसेस में, 46 नंबर पे लॉसेस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1,475। ऐसे करके आपका नेट प्रॉफिट जो कि नेगेटिव नेट लॉस है अपने केस में 7,97,000 आ जाएगा। इसमें भी काफी क्वेरीज थी कि यहाँ पर आपने टर्नओवर नहीं बताया, तो ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो काफी कंसल्टेंट का अलग ओपिनियन है टर्नओवर बता के एंड ऑल, बट मैं ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ, तो इससे नेट आपका लॉस आ जाता है। और ये इसलिए भी मैं बनाती हूँ बिकॉज जो गाइडेंस नोट है जो मैंने आपके एक वन ऑफ माय वीडियो में बताया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैसे अकाउंटिंग होती है, उसमें ऐसे ही बताया गया है। तो इसलिए आप ऐसे बताएंगे तो आपको टर्नओवर अमाउंट कहीं नहीं बताना रहता। टर्नओवर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टर्नओवर के लिए है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन गया, अदर इनकम में जीरो रहेगा। सैलरी में आ जाते हैं, सैलरी में मैंने यहाँ पर बेसिक 12 लाख की सैलरी बताई है। आपको एम्प्लॉयर का नाम बताना, मैं एडिट करके आपको एक बार बता देती हूँ। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर मैंडेटरी है, एड्रेस मैंडेटरी है, स्टेट में भी एक का डाउट था एक व्यूअर का कि स्टेट में ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, तो आपको पहले पिन कोड डालना रहता है, तो स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। देन आप अपनी सैलरी डिटेल्स डालेंगे एंड उसको सेव कर देंगे। देन आपको फर्दर कंफर्म पे क्लिक करना है, तो ऐसे सैलरी शेड्यूल भी आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा जब आप बीपी शेड्यूल देखेंगे, दैट इज बिजनेस और प्रोफेशन का, तो जो लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 7,97,000। इसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड होगा और अपन को इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देन CYLA शेड्यूल है, करेंट ईयर लॉसेस वाला। उसमें आप देख सकते हैं कि जो अपना बिजनेस लॉस है एफएनओ का, वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, और कोई इनकम होती तो उससे सेट ऑफ हो जाता या फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये सेट ऑफ नहीं हो रहा है। वैसे ही BFLA शेड्यूल होगा, CFL शेड्यूल होगा, और ऐसे आप बाकी कंफर्म करते जाएंगे। मैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आपको बताती हूँ। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, तो एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू,
कभी कभार यूटिलिटी प्रॉब्लम भी करती है, जैसे अभी आपने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस में आई वॉज रेसिडेंट बट देन ऑल्सो ही वॉज आस्किंग मी टू सिलेक्ट दी स्टेटस. वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो अब कोई एरर नहीं है, मतलब कि अगर आप इस तरह से आपकी रिटर्न में शो करेंगे एफएनओ की डिटेल्स, तो जो 8% वाला आ रहा है वो नहीं आएगा. अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है तो आप कैसे आईटीआर 3 में बताएंगे. तो अब अपन देख लेते हैं कि जब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, मतलब अगर आपका 10 लाख से कम है टर्नओवर तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो अब आप आईटीआर 3 कैसे फाइल करें और उसके ऊपर से आपको एफएनओ लॉस है. तो ये जो हमारी न्यू यूटिलिटी है, सबसे पहले तो मैं आपको बैलेंस शीट बताती हूँ. बैलेंस शीट में आपको सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन फंड कुछ फाइल नहीं करना. नो अकाउंट केस में ही जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना रहता है तो आपको ये फिल करना पड़ता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, कैश बैलेंस, जो कि एफएनओ सारी चीजें आपकी बैंक से होती है. तो कैश आपको जीरो हो सकता है, तो बट आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो आप यहाँ जीरो पुट कर दीजिए. इसके बाद आपको कंफर्म करना है. इसके पहले एक चीज और है कि जो जनरल वाला पार्ट है वहां पर, इससे पहले मैंने आपको बताया था जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करनी थी, जब 10 CR से 10 लाख से ऊपर था टर्नओवर, तब आपको 44AA आपने सिलेक्ट किया था, यस. बट अब आपको नो सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है. एंड देन आपको ये सेव करना है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो ये सारी चीजें नो 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 होंगी एंड आप सेव कर देंगे. आप बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा अभी. जब आप पीएनएल खोलेंगे तो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट कुछ नहीं करना. मैं एक बार आपको बैलेंस शीट एंड पीएनएल बता देती हूँ कि इससे पहले जो मैंने बनाई थी सब में एक एक जीरो कम कर दिया, तो टर्नओवर मेरा 10 CR से नीचे 10 लाख से कम हो गया, 2,15,300 हो गया. प्रॉफिट ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 67,800 हो गया एंड लॉस 1,47,500 हो गया. तो जो नेट लॉस आया वो 79,700 हो गया. एंड वैसे ही मैंने बैलेंस शीट में भी चेंजेस कर दी है, M2M, मार्जिन, डिपॉजिट, कैपिटल अकाउंट, सब एक एक फिगर जीरो कर दिया था आपको ये बताने के लिए कि आप लॉस है एंड जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है तो देन आप कैसे रिटर्न फाइल करेंगे. तो क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं करना, आप नो अकाउंट केस में आ जाएंगे. नो अकाउंट केस में जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं एंड बिजनेस पे जाते हैं, तो यहाँ ग्रॉस रिसीट तो डाल सकते हैं आप क्योंकि टर्नओवर अपना क्या है, लॉस एंड प्रॉफिट एब्सोल्यूट फिगर को आप ऐड करेंगे, आपके पास टर्नओवर आ जाएगा. ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो 215,300 आप डाल देंगे. फिर आप जब क्रॉस प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट ऑन सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे एंड एक्सपेंस में लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, तो उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है. चलिए कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आपके जो लॉस है 79,700 का, वो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, देखते हैं अपन. कंफर्म पे अभी तो मैंने क्लिक कर दिया. इसके बाद मैं शेड्यूल बीपी में आऊंगी. शेड्यूल बीपी में जो ये फर्स्ट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ तो जीरो हो रहा है क्योंकि पीएनएल में हमारा हर चीज जीरो है, सिर्फ टर्नओवर की फिगर गई है और हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी डाला बट नेट लॉस कंप्यूट हुआ ही नहीं, वहां पर जीरो ही है. ये हमारी न्यू यूटिलिटी है. फिर इसके बाद प्रॉफिट सेकेंड 2A में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इंक्लूडेड इन वन एंटर माइनस मतलब नेगेटिव साइन इन केस ऑफ लॉस. बट ये नेगेटिव साइन इन केस ऑफ लॉस कौन से केस में, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, एफएनओ स्पेक्युलेटिव बिजनेस है ही नहीं, तो आप यहाँ पर भी इसका फिगर नहीं डाल सकते. तो 2B है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, आप यहाँ पर भी नहीं डाल सकते. और कोई आईटीआर में जगह नहीं है जहां पर आप लॉस का अमाउंट डाल पाए. अगर आप 2A में डालते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया इस पे अगर आप डालते हैं तो वो बहुत गलत हो जाएगा. स्पेक्युलेटिव बिजनेस में जैसे ही आप लॉस डालेंगे आपका एफएनओ का, तो उसका सेट ऑफ फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ तभी मिलेगा जब आपकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस से इनकम होगी या फिर अदर इनकम से आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता अगर आप स्पेक्युलेट, तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर भी आपको नहीं डालना है. तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तो
समरी क्या निकलती है कि आपको अगर आपका लॉस है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, वो 10 लाख से ऊपर है या फिर आपका 2 CR से कम है, आपको बैलेंस शीट और PNL डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, तभी आप लॉस क्लेम कर सकते हैं। तो लॉस कैसे होगा, जब आप बैलेंस शीट में फिगर डालेंगे, यहाँ एड डिटेल्स में कैपिटल में दिस फिगर, ट्रिपल 1 500, कंफर्म पे, नो कंफर्म पे अभी नहीं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फंड भी तो डालना है। देन आप एड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्लिक करेंगे, करंट एसेट में बताया जाएंगे, उसमें आपको लोन डिपॉजिट्स वाला जो कॉलम है वहां पर आपको डिपॉजिट का अमाउंट डालना है जो कि 6800 है। देन अदर करेंट एसेट में आपको डालना है मार्जिन का अमाउंट 25,000। लॉस का आप डालेंगे सबसे नीचे 4C में, लॉस है 79,700। ऐसे करके आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी एंड आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको PNL में क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है एंड यहाँ नेचर ऑफ इनकम में प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डालना है 67,800 एंड ऐड करना है। वैसे ही डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऐड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अदर एक्सपेंसेस वाला जो कॉलम है उस पे लॉसेस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, अमाउंट है अपना 147,500 एंड आपको ये भी सेव करना है। अब इसके पहले मैंने जो ये नो अकाउंट केस में डिटेल डाली थी इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका लॉस है, यही आपका अगर प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मेरा सिर्फ 7,800 का ही लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता तो आपका प्रॉफिट आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है FNO लॉस FNO का वो 10 लाख से कम है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी और प्रॉफिट है तो आप नो अकाउंट केस का यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका लॉस है तो आप नो अकाउंट का केस नहीं यूज कर सकते बिकॉज आप यहाँ पर डालेंगे भी फिगर्स तो जो आपका लॉस है FNO का वो आप उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो अब देखिए 79,700 आ चुका है, इसको मैं कंफर्म कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं अब कंप्यूटेशन देखती हूँ, तो सैलरी से इनकम है मेरी, लॉस ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरीड फॉरवर्ड में आ गया 79,700। तो ये हमारी नई यूटिलिटी की समस्या है कि नेगेटिव फिगर नो अकाउंट केस में ले ही नहीं रहा, जबकि इससे पहले जो हमारा पोर्टल था उसमें जो रिटर्न फाइल होती थी तब नो अकाउंट केस में भी नेगेटिव फिगर था। तो अब कंक्लूजन ये होता है कि अगर आपका लॉस है बिजनेस में तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है, तभी आप लॉस का ले पाएंगे। अब बात रहती है कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना है कि नहीं, तो टैक्स ऑडिट का प्रोविजन मैंने आपको बताया है कि अगर आप 44AD का बेनिफिट लेते हैं प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन का एंड आपका 2,50,000 बाकी की इनकम 2,50,000 को क्रॉस करती है, देन ही आपका आपको ऑडिट करवाना रहेगा। यूटिलिटी थोड़ी समस्या कर रही है अभी भी। देखते हैं आप कोई एरर आ रहा है कि नहीं अपने केस में। वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो अब अपन कंक्लूजन जो ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर 10 CR से अबव है आपका टर्नओवर फ्रॉम FNO बिजनेस,
तो आपको ऑडिट करवाना जरूरी है, भले लॉस है या प्रॉफिट है। और 2 CR से अगर आपका कम है टर्नओवर, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी है। अब बात आती है कि अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको आप नॉर्मल टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, एंड अगर आपका लॉस है तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। पर बात यह आती है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में FNO बिजनेस मीट प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया होगा और अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं हुए और इस साल आप नहीं ले रहे हैं, तो आप पे जो प्रोविजन है 4480 सबसेक्शन 4 का वो अट्रैक्ट होगा। अब अगर वो अट्रैक्ट हो गया एंड देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 250,000 को एक्सीड करती है, तो आपको टर्नओवर करवाना है। ये कब है? जब 2 CR से कम है। 2 CR से अबव है आपका टर्नओवर एंड 10 CR से कम है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो लॉस के केस में FNO लॉस है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि हमारी जो यूटिलिटी है वो ऐसी डिजाइन है कि अब आपको आप बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करे लॉस नहीं क्लेम कर सकते। तो अगर आपका क्रक्स ये है कि FNO लॉस है लॉस है लॉस है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। टैक्स ऑडिट करना है या करना है ये डिपेंड करेगा। तो ये आप ये तो समझ जाएं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो फटाफट मेरा जो कैसे आप बैलेंस शीट पीएनएल बनाएंगे FNO का वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे, पर तब भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं कमेंट सेक्शन में आते ही हैं, मैं उसको भी आंसर करती हूँ जबकि वो मेरे वीडियो में आंसर्ड रहते हैं। तो प्लीज पहले मेरा वीडियो देख लें, देन आप उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको बिल्कुल उस आंसर करूंगी। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।